संदीप, आपको सक्सेस स्पीक्स प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। ये प्रोग्राम जैसे आप जानते हैं स्पेशली इस पर्पज से बना है कि आप लोग जैसे कैंडिडेट जब क्वालिफाई करते हैं तो हर किसी कैंडिडेट की एक अपनी सक्सेस स्टोरी होती है, एक जर्नी होती है, और तैयारी के दौरान में बहुत सारी शंकाएं होती हैं, मिथ्स होते हैं। yes. तो हर कैंडिडेट की अपनी स्ट्रेटेजी और अपनी एक सक्सेस स्टोरी होती है। तो इस प्रोग्राम के माध्यम से हम कैंडिडेट्स के बीच में जो फ्यूचर एस्पायरेंट्स उसको यही पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि बहुत सारे जो कन्फ्यूजन उसे क्लियर होकर के किसी न किसी से एक मैसेज और कनेक्ट लेके अपनी स्ट्रेटेजी डेवलप करें और क्वालिफाई करें। सबसे पहले आपको लॉट ऑफ कांग्रेचुलेशन टू यू बिकॉज आपने पहले अटेम्प्ट में ही 435 रैंक प्राप्त किया है एंड उम्मीद है कि शायद आपको इंडियन पुलिस सर्विस मिल जाए। तो नेचुरली आपके पास च्वाइस होगा कि आप कंटिन्यू करें या फिर से दोबारा अटेम्प्ट ले सकें, क्योंकि अटेम्प्ट ही आपका पहला है। तो संदीप, आप रहने वाले कहाँ से हैं? सर, मैं ओरिजिनली भागलपुर डिस्ट्रिक्ट बिहार में, वहीं से मैं रहने वाला हूँ। राइट। भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में खड़ीक ब्लॉक है और उसमें दुर्गंध ग्राम है सर। अच्छा। वहीं उनपे मेरा बचपन व्यतीत हुआ है सर, और मेरी प्रारंभिक शिक्षा भी वहीं से हुई है। इसका मतलब यू आर बोर्न एंड ब्रॉट अप इन रूरल एरिया, सब गांव से आपका जन्म हुआ और गांव में ही आप पले बढ़े हैं और वहीं के स्कूल से आपने अपने मैट्रिक तक की पढ़ाई गांव के लेवल पे ही आपने कंप्लीट की। दैट्स राइट। फादर क्या करते हैं आपके संदीप? सर, मेरे फादर और पूरी फैमिली जो है वो फार्मिंग से जुड़ी हुई थी। ओके ओके। एग्रीकल्चर जो मेन प्रोफेशन एग्रीकल्चर रहा है। और आपके फादर अभी भी गांव में रहते हैं और अभी भी खेती में लगे हुए हैं, क्या करते हैं अभी? जी, अभी भी गांव में ही हैं। और कितने भाई बहन हैं आप लोग? सर, मैं टोटल 3 भाई बहन, मैं सबसे छोटा हूँ। अच्छा। मुझसे बड़े भैया सचिन कुमार हैं, वो अभी गुड़गांव में कार्य कर रहे हैं, और सबसे बड़ी दीदी हैं, तो वो राजस्थान में रहती हैं। कहाँ रहती हैं? राजस्थान में सर। अच्छा अच्छा। तो भैया जो हैं वो कोई प्राइवेट जॉब में हैं गुड़गांव में, क्या करते हैं? जी, वो मैनेजमेंट कंसल्टिंग में काम कर रहे हैं, एक्सेंचर स्ट्रेटजी में सर। संदीप, आपने गांव से अपनी 10th की पढ़ाई की, उसके बाद के आगे का जो सफर है वो आपने क्या किया? जो मुझे जानकारी है उसके हिसाब से अपने NIT से सेरेमिक्स में आपने ग्रेजुएशन प्राप्त किया, राइट? तो वो कहाँ से आपने प्राप्त किया ये डिग्री? सर, मैंने 12th तक की पढ़ाई भागलपुर से करने के बाद, उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन लिखा था और उसमें मुझे NIT राउरकेला सिरामिक इंजीनियरिंग अलॉट हुआ था। राइट राइट। यस सर। तो ये मैंने 2012 से 16 तक में ये डिग्री मैंने NIT राउरकेला से प्राप्त की। अच्छा, NIT राउरकेला से किया। उसके बाद का सफर क्या रहा? क्या आपने एग्जाम के तुरंत तैयारी शुरू कर दी थी सिविल सर्विसेज की, या कुछ समय आपने जॉब वगैरह किया? सर, मैं सिविल सर्विस में तैयारी करने का डिसीजन वही कॉलेज में ले लिया था। राइट। तो लेकिन उसमें मैंने ये डिसाइड नहीं किया था किस वक्त मैं ये तैयारी शुरू करूंगा, तो इमिडिएटली मैं वेदांता लिमिटेड झारसुगुड़ा में जॉब करने के लिए गया था, जो कि उड़ीसा में ही है, और वहां पे मैंने 2 साल कार्य किया, और उसके बाद मैंने वो जॉब छोड़ करके ये पूर्ण रूप से तैयारी की। ये एक बड़ा अलग अलग तरह का डिसीजन होता है। कई बार स्टूडेंट्स कहते हैं कि जॉब के साथ तैयारी करेंगे, कोई कहते हैं कि नहीं फुल टाइम हम ग्रेजुएशन के बाद लग जाएंगे। आपने एक डिसीजन लिया कि पहले 2 साल जॉब किए और उसके बाद रिजाइन करके फिर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी में आए और पहले अटेम्प्ट में आपने क्वालिफाई भी कर लिया। तो ये स्ट्रेटजी क्या रही होगी, थोड़ा सा आपकी जो जर्नी है कि सबसे पहले आइडिया कहाँ आया सिविल सर्विसेज का? वैसे तो आप बिहार के बैकग्राउंड से हैं, ये बहुत अर्ली डेज में ही आपके दिमाग में बात आ गई होगी। yes. और कब से आपने इस आइडिया को कॉन्क्रीट करके अपनी तैयारी शुरू कर दी, और ये सफर थोड़ा सा संक्षेप में बताइए। सर, जैसा कि मैंने बताया कि मेरा बचपन वही गांव में व्यतीत हुआ था, तो मैंने वहां की बहुत सारी परेशानियों को देखा था। राइट। और तो कहीं ना कहीं वहीं पे मन में एक भाव था कि कुछ आगे चल के कुछ ऐसा करना है जिससे कि अपने से ऊपर उठ के कुछ समाज की बेहतरी के लिए कुछ कर सके। राइट। लेकिन उसमें कोई आइडिया नहीं रहता है कि सिविल सर्विस क्या होता है, उसमें जानकारी नहीं होती। तो जब मैं NIT राउरकेला गया तो तब जाके मैंने बहुत सारे जॉब और प्रोफेशंस के बारे में सर्च किया कि कौन सा मेरे पर्सनैलिटी के हिसाब से सूट करेगा। तो मुझे लगा कि सिविल सर्विस में मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म मिलेगा जहाँ पे मैं ऐसा जॉब कर पाऊंगा जिसमें मुझे जॉब सेटिस्फेक्शन मिलेगा और एक करियर के साथ साथ
जो कि ये समाज को कंट्रीब्यूट करने का जो ये भाव है ये भी पूर्ण हो पाएगा। हाँ, एक अपॉर्चुनिटी है इसमें। ये सब चीजें, एक्सपोजर तो आपको गांव में रहते हुए मिल गई होगी, है ना, कि जिस प्रकार से लोगों को देखा अपने एडमिनिस्ट्रेशन को काम करते हुए और समझा होगा। लेकिन फिर आती है स्ट्रेटजी ऑफ प्रिपरेशन, कि आपने जो रूट लिया कि पहले आपने डिग्री प्राप्त करने के बाद आपने 2 साल जॉब किए, तो क्या इसका कोई इकोनॉमिक रीजन रहा कि मैं पहले अपने को इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट कर लूं फिर तैयारी करूं, ऐसा कुछ रीजन रहा आपका? इसमें सेवरल फैक्टर्स थे सर। फाइनेंशियल तो सर्टेनली था, क्योंकि NIT राउरकेला में भी पढ़ाई मतलब महंगी ही होती है, और मैं रूरल बैकग्राउंड से था, तो और वहाँ पे जो मुझे जॉब ऑफर हुआ था वेदांता लिमिटेड में, तो वो मेरे प्रोफेशन के हिसाब से काफी बेस्ट जॉब था। राइट, तो मैंने उसमें ये डिसाइड किया कि मुझे ये जॉब पिक करना चाहिए, और मुझे लगा है कि मैंने वो राइट डिसीजन लिया था। उससे एक पर्सनैलिटी डेवलप में जब पहली बार जॉब करने गए थे, तो वहाँ पे उसमें बिल्कुल उसमें वैल्यू एडिशन ही होता है, जो भी बाद में तैयारी करते हैं ना, कहीं ना कहीं एक मैच्योरिटी आती है सर जॉब करने। आपका मानना है कि एक्सपोजर मिला, पब्लिक इंटरेक्शन रहा, तो उसको एक चीज की बात आई। फिर आपने क्या ये कॉलेज के दौरान में भी कुछ पढ़ाई कर रहे थे सिविल सर्विस रिलेटेड, या जॉब में उसके बाद आपने कुछ शुरू किया, या बिल्कुल जॉब छोड़ने के बाद ही शुरू किया, क्या हुआ भाई? सर जैसे कि मैंने सोच लिया था सिविल सर्विस की तैयारी करनी है कॉलेज में, और ये सेकेंड ईयर में मैंने सोचा था। उसके बाद मैं ये सर्च कर रहा था कि इसकी तैयारी कैसे करते हैं, राइट, और इसको मैंने काफी डिटेल में सर्च किया, और हर स्टेज के बारे में सर्च किया, हर सब्जेक्ट को कैसे तैयारी करना है। तो इसमें मैंने बहुत सारे टॉपर्स के वीडियो देखे, उनकी स्ट्रेटजी देखी हर सब्जेक्ट को लेकर के, ऑप्शनल को लेकर के, तो मुझे एक बहुत हद तक एक क्लैरिटी मिल गई कि तैयारी कैसे करनी चाहिए और आप कहाँ पे मिस्टेक्स कर सकते। लेकिन मैं कहूँगा सर कि कॉलेज में इसको इसमें मैंने मतलब ज़्यादा तैयारी नहीं कर पाया, और उसके बाद जब मैं जॉब में था तो वहाँ पे 1 साल रहने के बाद मुझे लगा कि मतलब अब सिविल सर्विस ही करना है, और वो जो करंटली जॉब है तो मुझे लगा कि इसको छोड़ के ही तैयारी करने से मैं इसको अच्छे से कर पाऊंगा। तो वहाँ पे मैंने फिर पढ़ाई शुरू की, और वहाँ पे मैंने ऑप्शनल का जैसे एक रीडिंग लिया, मेरा पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल है सर, राइट। उसके बाद लेकिन फुल टाइम जब मैंने प्रिपरेशन शुरू की ये 2018 जुलाई में, तो उसके बाद सर उसको मैं कहूंगा कि पूर्णतः मैं 1 साल के लिए अच्छे से तैयारी के स्टेज में। इससे पहले कि हम लोग थोड़ा तैयारी की स्ट्रेटेजी जो आपने बनाई उस पर डिस्कशन करें, एक जिज्ञासा जो स्टूडेंट को हो सकती है आपके बारे में, कि आप जो है गांव के वातावरण से आए हैं, नेचुरली आपका 10th के लेवल पे तो आपका हिंदी मीडियम ही रहा होगा, राइट, ठीक है। फिर आपने आगे, जैसा मैं जानता हूँ, आपने इंग्लिश मीडियम में अपने को शिफ्ट किया, और सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में मेंस आपने तो इंग्लिश मीडियम में लिखे, लेकिन इंटरव्यू आपने हिंदी मीडियम में लिए, ठीक है ना। तो ये जो हिंदी और इंग्लिश का बहुत सारा कन्फ्यूजन इसी बात का होता है, ये भी एक बहुत बड़ी स्ट्रेटजी में और क्लैरिटी में शामिल है। तो ये स्ट्रेटजी क्या थी आपकी, कैसे कैसे आपने, क्या आप तो लगा कि नहीं मुझे हिंदी इंग्लिश मीडियम में जाके सिलेक्शन मिलेगा, तो आपने इंग्लिश मीडियम चेंज कर लिया ग्रेजुएशन में आकर के? वो तो खैर एक आपकी NIT की रिक्वायरमेंट भी थी, लेकिन आपने इस बात को आपने जब आपने सिविल सर्विस एग्जामिनेशन दिया तो ये स्ट्रेटजी आप खास सोच के रखा था कि मेंस जो है इंग्लिश मीडियम लिखेंगे और हिंदी मीडियम इंटरव्यू देंगे? सर जैसा कि आपने बताया कि ग्रेजुएशन की पूरी पढ़ाई मेरी इंग्लिश मीडियम में हुई थी, तो उसके बाद मैं इंग्लिश लैंग्वेज में राइटिंग स्किल वगैरह में कंफर्टेबल हो गया था सर, और जिस हिसाब से वहाँ पे मेरी समझ बनी, उसके बाद मुझे हिंदी में वापस जाना उचित नहीं लगा। उसके बाद सर जब मैंने ये इंटरव्यू स्टेज में पहुंचा, तो उसमें मेरे पास ऑप्शन था कि मैंने देखा UPSC ऑप्शन दे रही है कि आपने अगर इंग्लिश में भी लिखा है तो आप चाहें तो हिंदी में इंटरव्यू दे सकते हैं। तो मुझे लगा कि जैसा मेरा शुरू का बैकग्राउंड हिंदी में रहा है, और अक्सर जैसे कि हम लोग दिनचर्या में जनरली हिंदी में ही बात करते हैं, तो मुझे लगा कि मुझे हिंदी में ही इंटरव्यू देना चाहिए। ये एक बहुत जो ऑडियंस जो आपको वॉच कर रहे हैं उनको जानना चाहिए कि हर किसी कैंडिडेट की अपनी सुविधा के हिसाब से एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए, और UPSC ने इसका बहुत अच्छा प्रोविजन दिया हुआ है। स्टूडेंट को ये डर लगता है हिंदी मीडियम में नंबर आएंगे नहीं या किस मीडियम में क्या होगा, अब आप देखिए कि UPSC ने कितने अच्छे लिबरल रन से आप किसी भी मीडियम में मेंस एग्जामिनेशन दे सकते हैं, जो आपके पास कई लैंग्वेजेस में मन आउट आउट ऑफ 8 शेड्यूल में जितने भी हमारे इंडियन नेशनल लैंग्वेजेज हैं। यस यस,
उसमें किसी भाषा में आप एग्जाम दे सकते हो और इंटरव्यू भी के साथ ही सुविधा अवेलेबल है, तो आपने वही स्ट्रेटेजी ली। और लोगों को इस चीज को समझना चाहिए कि अपनी, हर किसी की अपनी परिस्थिति होती है, अपना एक स्ट्रेंथ होता है, वीकनेस होता है, उसको जरूर समझना चाहिए, राइट। संदीप, जो एक तो आपने बताया कि आपकी तैयारी जो है ग्रेजुएशन में अवेयरनेस था, आपको लॉ जॉब के समय भी कोई खास सीरियसली नहीं कर पाए, बट जुलाई 2019 में आपको एग्जाम देना था, 2018 में आपने जुलाई में तैयारी की। तो वो जो तैयारी की एक शुरुआत होती है, लगभग एग्जैक्टली आपके पास करीब 11-12 महीने बच गए थे के हिसाब से, तो उसके लिए ये जो सफर है इसका एक टाइम मैनेजमेंट, एक एक्शन प्लान, ये सिलेक्शन ऑफ बुक्स, ये सब चीजें बड़ी मैटर करती है। तो वो पहला स्टेप क्या था, आपने क्या किया सबसे पहले? तो सर, मैंने जब जॉब छोड़ा था तो उससे पहले मुझे हर चीज को लेकर क्लैरिटी थी कि कौन से सब्जेक्ट किस बुक से पढ़ना है, कौन सा टेस्ट सीरीज देना है। तो ये मैंने पहले ही पूरी तरह से एक एक स्टेप मैंने प्लान कर लिया। राइट। जब मैंने जुलाई 2018 में जॉब को क्विट किया, तो उसके बाद मैं मेरा सिर्फ यही काम था कि उस प्लान को इम्प्लीमेंट करना है, और मैं डेली 10-11 घंटे वहां से पढ़ाई करना शुरू किया। उसमें मोस्टली मैं कहूंगा मैंने जो प्लान किया था उसी के अनुसार से मेरी पढ़ाई रही, और 2-4 महीने पढ़ाई करने के बाद उसमें कुछ थोड़ा बहुत जिस हिसाब से समझ पड़ी तो उसमें थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ा, लेकिन ओवरऑल यही प्लान, एक्शन प्लान आपने बना लिया था। इससे पहले कि हम स्टेजेस का समझे, अब देखिए आपने ये कहा कि एक साल पहले सीरियस प्रिपरेशन शुरू किया, 10-11 घंटे की आपने एक शेड्यूल बनाया, एक टाइम मैनेजमेंट एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, पहले उसकी चर्चा करते हैं। आउट ऑफ 24 आवर्स आपने 10-11 घंटे फिक्स कर लिए कि मुझे इतने घंटे पढ़ने, तो आपने ओवरऑल जरा आपकी रूटीन, मैं चाहता हूँ कि ऑडियंस को शेयर कीजिए, जो एक अच्छे सक्सेसफुल सक्सेस ओरिएंटेड कैंडिडेट का होना चाहिए, जो आपने दिखाया, वो आपका शेड्यूल क्या था 24 आवर्स का एवरी डे? तो सर, मेरा शेड्यूल जैसे मैं वीकली प्लानिंग करता था, अपनी संडे शाम को मैं बैठ के प्लान करता था पूरे वीक का कैसा शेड्यूल होना है। मेरा सर सबसे इंपॉर्टेंट, मैं फिक्स स्टडी सेशंस का ऑर्डर रखता था कि मुझे जब पढ़ाई करनी है, तो जैसे मैं सुबह 5:15 बजे 5:15 को उठता था और वहां से मैं पढ़ाई शुरू करता था, तो 2 घंटे का सेशन रहता था। और इसमें मैं सर स्पेसिफिक टेक्निक यूज करता था जिसको हम पोमोडोरो टेक्निक के नाम से जानते हैं। इसमें कंटिन्यूस ब्रेक के साथ पढ़ाई होती है, इससे यह होता है सर कि हमारा अटेंशन लेवल काफी हाई रहता है, हम कभी बोर नहीं होते पढ़ाई से, एग्जॉस्टेड नहीं होते। इससे इस तरह से मैं करता रहा, और उसके बाद मैं पूरे वीक पढ़ाई करता था, उसके बाद संडे को मैं टेस्ट लिखता था, और उसके बाद ये भी इंश्योर करता था सर कि मैं संडे को सेकेंड हाफ में कहीं थोड़ा बाहर चले जाऊँ, मार्केट चले जाऊँ, या कहीं योगा चेंज हो जाए। हाँ, एक थोड़ा मोनोटोनस शेड्यूल ना बना रहे, और एक रिफ्रेशमेंट है जिससे मैं नए वीक में फिर पूरी एनर्जी के साथ तैयारी। वेरी गुड। तो अब बहुत इंटरेस्टिंग चीज है लोगों को आपसे जानने के लिए। सोने का टाइम क्या आपका फिक्स था संदीप? जी बिल्कुल, मेरा ऑलमोस्ट एवरीथिंग जो भी करने का समय प्लान था। कितने बजे सो जाते थे, कितने बजे उठते थे आप? सर मैं 5:15 में जैसे बताया था, तो उसी के 5:10 के अराउंड उठ जाता था। और सोने का बेड पे सोने का फिक्स था सर, मैं 10 PM 10 बजे रात को 10 बजे सो गए और 5 बजे 5:30 बजे उठ गए। यहाँ से आपकी दिनचर्या फिर शुरू होती थी। यस। और आपने कहा कि पूरी वीक का अपना प्लान बना लिया, बीच में अपने ब्रेक्स जो है उसका भी प्लान कर लिए, और हफ्ते में एक दिन जो है यदि आउटिंग कर लिया या दोस्तों से मिल लिया, मार्केट में चले गए। सबसे पहले ऑडियंस को जो आपको वॉच कर रहे हैं उनको जानना चाहिए कि एक परफेक्ट टाइम मैनेजमेंट जिस जो आपको सूट करता हो, उसमें से आप डिमार्केट कर लीजिए जिसमें सोने का टाइम भी आपके पास प्रॉपर होना चाहिए, उसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज की जरूरत नहीं, अदरवाइज रिवाइव नहीं कर पाएंगे अपने आप। सेकेंडली, अपने को ब्रेक, इंटरटेनमेंट, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, थोड़ा बहुत जो है कहते हैं कि पॉजिटिव सोशलाइजेशन, और चूंकि हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमें पॉजिटिव सोशलाइजेशन जहाँ टाइम वेस्टर्स ना हो उसको बचा के चलें। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो पढ़ने का टाइम है उस समय को जो निर्धारित करें तो उसको अचीव करने की आप कोशिश करें। बहुत बढ़िया। इसमें जो एक क्या पढ़ें और क्या छोड़ें, ये एक बहुत बड़ी समस्या रहती है, आपने भी फेस किया होगा, इतना सारा इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो गया है नेट के कारण से, कोचिंग मटेरियल्स के कारण से, मार्केट में बुक्स में, सेलर्स के पास इतने सारे ऑप्शन आ गए हैं,
कि कैंडिडेट को कंफ्यूजन होती है, तो इसको आपने कैसे सॉर्ट आउट किया अपने लिए? सर इसका मैंने ये किया सर कि मैंने हर सब्जेक्ट को कैसे पढ़ाई करना है उसके लिए मैंने बुक का सिलेक्शन किया, और इसको सिलेक्शन करने के लिए मैंने जो भी टॉपर्स थे पुराने उनकी स्ट्रेटजी को देखा। okay. तो जब हम बहुत सारे टॉपर्स की स्ट्रेटजी देखते हैं तो कहीं ना कहीं एक कॉमन एलिमेंट रहता है। right. उसमें मुझे ये लगा कि सर सारे टॉपर्स को मैंने देखा कि वो एक सब्जेक्ट के लिए एक से ज्यादा बुक का इस्तेमाल नहीं करते हैं, और right. एक ही बुक को बार बार पढ़ाई करते हैं। इससे क्या होता है सर कि वो जो भी मटेरियल है जो भी हम पढ़ रहे हैं वो हम फाइनली इंटरनलाइज कर पाते हैं, उसको हम एग्जाम में रिप्रोड्यूस कर पाते हैं, और यह काफी इंपॉर्टेंट है। हमने बहुत सारे 5 बुक्स को एक सब्जेक्ट में पढ़ लिया और जब हम एग्जाम देने के लिए गए तो वहाँ याद नहीं आ रहा, तो मे बी वो सही स्ट्रेटजी नहीं है। तो इसलिए मैंने अब यह भी होता है सर कि अगर एक ही बुक चयन कर रहे हैं या एक ही मटेरियल चयन कर रहे हैं तो यह इंपॉर्टेंट है कि राइट मटेरियल को चूज करें। तो इसके लिए मैंने सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखे और बहुत सारे मॉक्स के क्वेश्चन को देखे, सिलेबस को देखा, और उसके हिसाब से देखा कि स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए मैं कौन सी बुक को कर लूंगा तो वहां से मैं 70-80% क्वेश्चन को कर पाऊंगा। इस तरह से मैंने प्लान किया सर। इसका मतलब है कि आपने सबसे पहले जितने टॉपर्स का जो स्टडी, जो अभी प्रोग्राम के स्टार्टिंग में भी मैंने कहा इंक्लूडिंग दिस प्रोग्राम सक्सेस फेज का भी यही मकसद भी है, जो आपको वाच करेंगे वो अपने को कनेक्ट करके एक स्ट्रेटजी बना सकते हैं, राइट। और उसके बाद आपने ये डिसाइड किया पिछले साल के क्वेश्चंस को देखकर, सिलेबस को ध्यान से देख करके, कि मेरे हर सब्जेक्ट पर स्टैंडर्ड बुक होने चाहिए जो फिक्स हो, एंड एक किताब को 3-4 पढ़ना ज्यादा समझदारी, ना कि 4 किताब को एक एक बार पढ़ करके कंफ्यूज होना है। जी दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें एक आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके अकॉर्डिंगली हर किसी को अपने हिसाब से कर भी लेना चाहिए कैसे करना है। इसकी चर्चा हम सब्जेक्ट वाइज अभी करेंगे आगे चल के, लेकिन सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है कि इतनी सारी चीजें पढ़नी है याद कैसे रखे, राइट। तो यस, बड़ा टिपिकल सा सवाल है कि इतना सारा चीज कैसे याद रखें, क्या बोलेंगे इसके बारे में आप? सर जैसा कि सिलेबस बहुत वाइड है और ये तो हम सबको पता है, और इसके लिए सर जैसा मैंने बताया कि एक सब्जेक्ट को बार बार पढ़ाई करना होता है। हमने जैसे फिनिश कर लिया तो प्रीलिम्स से 3 पहले मैं जैसे रिजर्व कर दिया था, जो मैंने जो पढ़ाई कर लिया उसी को मैं बार बार पढ़ता रहूंगा और नई चीजें नहीं पढ़ूंगा। क्या होता है सर कि जब हम एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो उसमें मैक्सिमम चीजें हम रिकॉल कर पाते हैं। करेक्ट, और रिविजन का एक हैबिट प्रॉपर, राइट। आप नोट्स भी बनाते थे क्या संदीप अपने लिए? जी प्रीलिम्स के लिए मैंने ज्यादा नोट नहीं बनाए थे, और ज्यादा मैं हाईलाइटर का यूज करता था, बुक्स में हाईलाइट कर देता था, वहीं पे जो एडिशनल इंफॉर्मेशन रहता था तो वो मैं राइट कर देता था। लेकिन कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट थे जहाँ जिसका मटेरियल थोड़ा स्कैटर्ड था तो उसको मैंने खुद नोट्स बना के कलेक्ट किए थे। तो जैसे उसमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी था सर, इसके मैंने नोट्स बनाए थे प्रीलिम्स के लिए। नोट्स जो बनाए आपने तो नोट्स का एक टाइप होता है कि डिटेल नोट्स थे या कोई बहुत ब्रीफ में थे, क्या किस तरह के नोट्स बनाते थे, क्या कोई गैजेट का इस्तेमाल करते थे या आप अपने ट्रेडिशनल डायरी पे लिखते थे, क्या करते थे आप? जी मैं जैसे कॉपी और पेन उसी में नोट्स बनाता था, तो और उससे क्या होता है सर कि मुझे लगा कि मैं अपने हैंडराइटिंग में जब लिखूंगा वो चीजें ज्यादा याद रहती है मुझे, राइट, और उसको बाद में रिविजन करने में भी आसानी होती है। तो मुझे एक डिजिटल नोट से हैंड रिटन नोट मुझे थोड़ा ज्यादा अच्छा लगा सर। एक्चुअली क्या है कि पिक्चर्स के फॉर्म में जब कोई चीजें माइंड में जाती हैं, yes. और हर किसी की हैंड राइटिंग की अपनी एक, वो भी एक आर्टिस्टिक स्केचिंग है जो उसके तो दिमाग में बैठता चला जाता है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। करंट अफेयर्स को लेकर के कैंडिडेट्स को बड़ी परेशानी रहती है, क्या पढ़ें क्या छोड़ें, कौन सा न्यूज पेपर पढ़ें कैसे पढ़ें, तो इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? यस सर, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि करंट अफेयर्स एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है यूपीएससी प्रिपरेशन को लेकर के, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट मैं समझता हूँ सर कि न्यूज़पेपर होता है करंट अफेयर्स की, और मैं यह भी रिकमेंड करूँ कि हर एस्पिरेंट को न्यूज़पेपर डेली पढ़ना ही चाहिए, और इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं हो सकता। जैसे कि अभी मार्केट में बहुत सारे कोचिंग के मटेरियल अवेलेबल होते हैं, मंथली मैगजीन्स आ जाते हैं,
लेकिन जब हम न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं हमारी समझ एक टॉपिक पर धीरे धीरे बिल्डअप होती है, राइट और ये काफी इम्पोर्टेंट है। और जब हम न्यूज़पेपर से पढ़ते हैं तो हम ना केवल एक प्रीलिम्स के एंगल से बल्कि मेंस के एंगल से ही हमारा मेंटल कैलिबर इस तरह से डेवलप हो जाता है कि हम खुद से सोच के आंसर को प्रिपेयर कर सकते हैं। और फाइनली जब हम इंटरव्यू स्टेज में रहते हैं तो यह सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप खुद से अपने ओपिनियन को फॉर्म कर पाए। तो इस सब में मैं समझता हूँ सर न्यूज़पेपर का बहुत बड़ा रोल है। और न्यूज़पेपर जैसे कि सर दो तीन रहते हैं, लोग समझते हैं कि मैं कौन सा पढ़ूँ, द हिंदू है, इंडियन एक्सप्रेस है, तो मैं समझता हूँ और मेरा रिकमेंडेशन है कि द हिंदू जो है वह बेस्ट न्यूज़पेपर है। कुछ लोग इंडियन एक्सप्रेस को भी यूज करते हैं, लेकिन मेरे एक्सप्रेस में मैंने पाया है कि प्रीलिम्स और मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चंस द हिंदू एडिटोरियल से निकल के आते हैं। राइट, इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपने ये कहा कि जो न्यूज़पेपर रीडिंग है वो एक हैबिट में आनी चाहिए, ये नहीं कि आपको सिर्फ करंट अफेयर्स कहीं से रेडीमेड मटेरियल पढ़ के क्रैमिंग करनी है ना, तो उसे वो आप एक ओपिनियन बिल्ड नहीं कर पाओगे। ये डेली जैसे खाना खा करके डेली अपने हेल्थ बनाते हैं, है ना, बॉडी बिल्ड करते हैं, उसी तरह से डेली आप करंट अफेयर्स को थ्रू न्यूज़पेपर पढ़ करके उसको बना रहे होते हैं। बाकी चीज सप्लीमेंट्री फॉर्म में आपके साथ आ सकती है, लेकिन संदीप न्यूज़पेपर में क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं है, बहुत बड़ा क्वेश्चन स्टूडेंट के दिमाग में होता है कि इसमें क्या पढ़ें क्या छोड़ें, सब कुछ इम्पोर्टेंट लगता है, इसको कैसे समझें कि रेलेवेंट क्या है एक सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स के लिए, वो जरा बताइए। जब हम तैयारी शुरू करते हैं तो सर जब हम न्यूज़पेपर उठाते हैं तो मे भी हमको 3-3.5 घंटे भी न्यूज़पेपर पढ़ने में लग जाते हैं, राइट, और उसके बाद भी बहुत सारे इश्यूज अगर द हिंदू जैसे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो हम समझ नहीं सकते। इसके लिए एक बैकग्राउंड उस सब्जेक्ट का होना चाहिए, एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो यह दोनों चीजें साथ साथ चलती है। जैसे जैसे हम स्टैटिक की पढ़ाई करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हैं, तो हमें एक एग्जाम का फॉर्मेट धीरे धीरे समझ में आने लगता है। मेंस का क्वेश्चन देखते हैं तो उसके बाद यह धीरे धीरे क्लियर होता है कि कौन सा न्यूज हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और कौन सा नहीं है। जैसे कोई भी न्यूज पेपर अगर लेंगे तो उसमें बहुत सारे न्यूज पॉलिटिकल रहते हैं तो वह यूपीएससी के लिए बिल्कुल ही रिलेवेंट नहीं है। और उसके बाद बहुत सारे इश्यूज हम देखते हैं, बार बार रिपीटेशन होते हैं, तो अगर उसमें हमारी समझ बन गई है तो उसको हम थोड़ा लाइटली भी पढ़ सकते हैं, और जो नए इश्यूज हैं जो यहाँ पे हम कवर नहीं कर पाए तो उस पर हम ज्यादा फोकस कर सकते हैं। करेक्ट, और इसके लिए मैं कहूंगा सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देखें, इससे बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी कि कौन से टॉपिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस हिसाब से हम अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं कि न्यूज़पेपर को कैसे। बेसिकली जो आपने ध्यान दिलाया ये है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और आपका सिलेबस, सिलेबस के जितने भी सेगमेंट्स हैं उनको ध्यान से समझे, चाहे वो पॉलिटी गवर्नेंस है या इंटरनेशनल रिलेशन है, इकोनॉमी है, साइंस एंड टेक है, इकोलॉजी एंड वॉबर्टी, ये ऑलरेडी कुछ टॉपिक्स जो अलग अलग पेपर में मेंशन है, राइट। यदि उसको ध्यान में रखें तो जैसे कोई न्यूज आएगा तो इमीडिएटली स्ट्राइक करेगा ये हमारे काम क्या है। प्लस पिछले साल के क्वेश्चन तो आपने कहा 3.5 घंटे भी शुरू लग सकते हैं, बाद में आइडियली मेरे ख्याल से 1 घंटे का टाइम काफी है न्यूज़पेपर को पढ़ने में। Do you agree with that? Yes, sir. 1-1.5 घंटे वो डेली डिफर करता है और इससे ज्यादा नहीं लगना चाहिए। हाँ, 1.5 घंटे का दैट इज द मोस्ट आइडियल टाइम, मतलब 1-1.5 घंटे का टाइम जो है न्यूज़पेपर से। क्या कुछ हम नोट्स भी बनाते थे क्या? सर मैं न्यूज़पेपर से नोट्स नहीं बनाता था, लेकिन मैं यह भी इंश्योर करता था कि शुरू शुरू में मैं आजकल बहुत सारे वीडियोस आते हैं न्यूज़पेपर के बेस्ड पर वो इश्यूज को एक्सप्लेन कर देते हैं। जब मुझे न्यूज़पेपर समझ नहीं आता था तो उस तरह की वीडियोस मैं देख लेता था, तो उससे इश्यूज का अंडरस्टैंडिंग आ जाता। लेकिन कुछ दिनों बाद खुद की अंडरस्टैंडिंग इतनी हो जाती है कि खुद से टॉपिक्स को समझ पाते हैं तो उसको हम इग्नोर भी कर सकते हैं। राइट, तो उसके बाद तो फिर एक आपके वो एक बिल्ड होता शुरू हो जाता है, उसमें एड ऑन करना आप शुरू कर देते हैं और उसके अकॉर्डिंगली फिर आप धीरे धीरे आप इस चीज को क्लियर हो जाते हैं कि इसमें क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, क्या प्री के लिए इंपॉर्टेंट होगा और क्या मेंस के लिए इंपॉर्टेंट होगा।
संदीप आपने अपना प्रिपरेशन जो है एक साल का सॉलिड प्रिपरेशन करके किया, नेचुरली आपने प्री और मेंस का एक इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन किया है, राइट? तो ये इस इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन से क्या बेनिफिट मिलता है? सर, जब हम इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन करते हैं तो इससे यह होता है कि सर, जब हम प्रीलिम्स लिखते हैं तो उससे पहले मेंस को लेकर हमको पूरी समझ होती है और एक लेवल का प्रिपरेशन होना चाहिए, क्योंकि जो प्रीलिम्स और मेंस के बीच का समय है वह कम होता है। जैसे पहले 3.5 महीने रहता था, अब हम देख रहे हैं वो और भी कम होता जा रहा है, अभी तो 1 जेमी हो रहा है। तो यह काफी इंपॉर्टेंट है कि हमारी पहले की तैयारी इतनी होनी चाहिए कि जो प्रीलिम्स और मेंस के बीच का समय मिलता है तो उसमें हम अच्छे से तैयारी करें। उसमें मैंने ये इंश्योर किया था कि मैं प्रीलिम्स की अच्छी तैयारी रखूं ताकि मैं उस स्टेज को क्लियर कर पाऊं, और उसके बाद मैंने ऑप्शनल की 1 रीडिंग ले ली थी, और उसके बाद मैंने आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर ली थी 6 महीने तक। तो इससे यह हुआ कि जैसे ही मैंने प्रीलिम्स दिया तो उसके बाद मेरा यह विजन काफी क्लियर हो गया था कि अगले 3 महीने में मैं कैसे तैयारी करूँ। आप फोकस्ड हो पाए बेसिकली। फिर भी लास्ट के फ्यू मंथ्स में जो प्री के पहले आता है तो प्री के अप्रोच की एक अलग जरूरत पड़ती है, तो आपने वो प्री के लिए कैसे क्या किया जो कैंडिडेट को बताना चाहेंगे, जो एक आप एक स्ट्रेटजी क्या थी आपकी लास्ट के प्री में, किन चीजों पे फोकस किया आपने? सर, लास्ट के 3 महीने प्रीलिम्स से पहले वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, और इसमें मेरा यह स्ट्रेटजी था कि मैं बहुत सारे मॉक्स को सॉल्व, तो मैंने टोटल शुरू से एक साल की तैयारी में मैंने ऑलमोस्ट 90-100 प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट सॉल्व किए थे। तो इससे क्या क्या हुआ कि सर, मुझे हर तरह के टॉपिक्स पे मैंने क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे, और उससे कहीं ना कहीं एक एमसीक्यू सॉल्विंग स्किल भी आती है, और हर टॉपिक पर अंडरस्टैंडिंग भी आती है। और जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो वह कहीं ना कहीं हमारे माइंड में एक ज़्यादा अच्छे से बैठ जाता है, तो यह हम प्रीलिम्स में फिर रिकॉल कर पाते। तो मैं सर लगातार उसमें प्रीलिम्स का टेस्ट देता था, मॉक टेस्ट देता था, और उसके बाद मैं यह एनालाइज करता था कि मेरे मिस्टेक्स कहाँ पे हो रहे हैं, और इसमें मैं अपनी तैयारी को और अच्छी कैसे बना सकता हूँ, कौन से सब्जेक्ट को फिर से मैं पढ़ लूँ। तो ये मैंने कंटिन्यूस करता रहा, और उसके बाद मैंने उसको रिवाइज किया सर। बेसिकली आपके प्रैक्टिस से आपको क्लैरिटी आ जाती है कि क्या करना है, चूंकि समय कम होगा और आपको वहाँ परफॉर्म करना है एग्जामिनेशन के टाइम में, राइट? तो इसमें थोड़ी सी हम सीसेट की पहले चर्चा, हालांकि क्वालिफाइंग हो गया है ये पेपर, लेकिन बहुत सारे जिनका बैकग्राउंड नहीं है तो थोड़ी सी प्रकाश इस पर डालिए कि हाउ टू बी श्योर दैट वन गेट्स एटलीस्ट द क्वालिफाइंग मार्क्स इन सीसेट। सर, जैसा कि मेरा इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड था तो इस तरह के एप्टीट्यूड के क्वेश्चन तो मैंने बहुत सारे बनाए थे पहले। अच्छा, ठीक है। मुझे उसमें ज्यादा कठिनाई महसूस नहीं, फिर भी मैंने सर पिछले 2-3 साल के सीसेट के पेपर को सॉल्व कर लिया था, और मैंने उसमें देखा कि मैं कंफर्टेबली पास कर रहा हूँ, तो इसकी मैंने तैयारी अलग से नहीं की। लेकिन जो आपने फिर भी अब तो 2-3 साल के क्वेश्चन आपने किए, तो ये स्टूडेंट के लिए बहुत जरूरी है जानना कि पिछले कुछ साल के क्वेश्चन भी यदि आप ठीक से सॉल्व कर देते हैं तो नॉट कि सारे सेगमेंट्स में आप अच्छा करें, बट आपको इतना जरूर हो जाएगा कि आप क्वालिफाई करने में आपको डाउट नहीं रहेगा, राइट? की अभी देखिए, अभी इस साल का जो प्रीलिम्स है वो सामने है, 4 अक्टूबर को एग्जाम होने वाला है, आज हम लोग 20 सितंबर को बात कर रहे हैं, राइट? तो ऐसे में अभी अगले 10 दिन जो कैंडिडेट को ध्यान देना चाहिए उसके बारे में आप क्या कहेंगे, फाइनल आवर्स स्ट्रेटजी? तो मैं यह कहूँगा कि सर, पढ़ाई जो है अभी तक मोस्टली हो जाना चाहिए, और यह इंश्योर करें कि अभी नई चीजों को ना लाएं पढ़ने के लिए, और जो भी पढ़ाई हमने की है उस पर हम कॉन्फिडेंस भी डेवलप करना है, क्योंकि यह भी इतना बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम कितनी पढ़ाई कर लें तो हम 150 क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, और यह ठीक है क्योंकि अगर हम 100-105 मार्क्स भी लाते हैं तो हम देख रहे हैं कि आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। तो अपनी तैयारी पे कॉन्फिडेंस रखें, और हमने जो पहले पढ़ा हुआ है, हमारे नोट्स हैं, उसको बार बार रिवाइज करें, और मैं यह भी कहूँगा कि एग्जाम से 2-3 दिन पहले कभी भी स्ट्रेस में ना आए, और कंफर्टेबल स्लीप लेकर के एग्जाम देने के लिए जाए, तो तब यह इंश्योर हो पाएगा कि हमने जो भी तैयारी की है उसको हम लोग अच्छे से परफॉर्म कर। एक रेस्टफुल माइंड हो, एक एंग्जाइटी ना हो, स्ट्रेस फ्री होकर जाए, तो ताकि जितना भी पढ़ाई किया है उसको रिट्रीव कर सकें, यूज कर सकें, ना कि एग्जामिनेशन फियर क्रिएट कर करके
वहाँ वो सारी चीजें भूल जाए और वहां यूटिलाइज ना कर पाए. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. परफॉर्मेंस स्किल डे की तैयारी जरूरी है. पढ़ाई सिर्फ नॉलेज गैदर करते करते रहने से बात नहीं बनेगी. जरूरत है कि कैसे वहां यूटिलाइज कर. दैट्स वेरी सुपर वेरी राइट. इसके बाद संदीप जो मेन एग्जामिनेशन है एक ओवरऑल जो कि मेंस में अच्छा करें क्योंकि नेचर डिफरेंट हो जाता है. प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में आप बहुत सारे वाइड एंड रैंडम स्टडी भी करते हैं बट डू यू थिंक कि मेंस की स्टडी में सेलेक्टिव होना भी काम आ सकता है या करना चाहिए? सर मैं समझता हूँ कि प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस तो हालांकि बहुत हद तक मैच करता है जीएस का राइट लेकिन इसकी तैयारी बिल्कुल अलग है. जैसे कि हम प्रीलिम्स के लिए एमसीक्यू सॉल्व करना होता है बहुत सारे और इसमें हम स्कैटर्ड तरीके से तैयारी करते हैं. अलग अलग सब्जेक्ट अलग अलग टॉपिक को हम पढ़ते हैं. कभी भी हमारे पास एक एक जगह पर कलेक्ट होके मेमोरी में ऑर्गेनाइज होके चीजें नहीं रहती. और मेंस के लिए यह बहुत जरूरी है कि हम अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करें. हर इश्यूज पे हमारे पॉइंट्स रेडी होने चाहिए. तो हमें एक प्रीलिम्स के बाद तैयारी में एक ड्रास्टिक चेंज लाना होता है और यह इंश्योर करना होता है कि हर सिलेबस में जो भी मेंशनड वर्ड्स हैं उस पे हम हमारी जो भी तैयारी पहले से भी है और हम कुछ नई चीजें ऐड कर पाए तो उसको हम जोर जोर के उसको बार बार रिकॉल करें. यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने मेंस के लिए जो भी नोट्स बनाते हैं या जो पढ़ते हैं उसको बार बार उसको पढ़ते रहें एक ही चीज को अलग अलग जगह से पढ़ाई करने की. आप ये नोट्स की चर्चा जो कर रहे हैं संदीप ये किस तरह की नोट्स की बात करें? डिड यू हैव सम डिटेल नोट्स अबाउट द टॉपिक्स या कैसे बनाए आपने नोट्स? सर मैं अभी बहुत सारे इनिशिएटिव हैं जिसमें न्यूज़पेपर बेस्ड करंट अफेयर्स क्वेश्चन सेट किए जाते हैं. तो मैंने पिछले एक डेढ़ साल के जो भी क्वेश्चन सेट किए गए थे उसको मैंने कलेक्ट किया और उसको टॉपिक वाइज अरेंज करके वो कलेक्ट. आपने कहा कि बहुत सारे सेलेक्ट टॉपिक आपने सेलेक्ट कर लिए थे वो जो करंट अफेयर्स के ऊपर पे उसके क्या कहना चाह रहे हैं उसमें? सर मैंने वो जो भी सारे क्वेश्चंस थे पिछले एक डेढ़ साल के तो उसको मैं कलेक्ट करके उस पर खुद से आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस की और उस पर फिर मुझे जो आइडिया लगा हर टॉपिक का तो उसकी मैंने सेपरेट नोट्स बनाए. उसको मैं मल्टीपल टाइम गो थ्रू किया. इससे यह हुआ कि सर मेंस के एग्जामिनेशन में जो भी पॉइंट थे जो भी फैक्ट थे जो भी डाटा था तो वो मैं वहां पे रिप्रोड्यूस कर पाया. इसमें अलग अलग पेपर हैं, कई पेपर हैं सब्जेक्ट वाइज हैं, सबकी स्ट्रेटजी भी आपकी डिफरेंट रही होगी. पेपर वन में जीएस पेपर वन के अलग रही होगी, पेपर टू थ्री के अलग रही हुई राइट. तो ऐसा भी कुछ आपने डिफरेंशिएट किया था क्या कि एथिक्स इंटीग्रिटी का अप्रोच अप्रोच होगा, जो करेंट ओरिएंटेड जा रहा पेपर उसका अलग अप्रोच, ऐसा कुछ आपने अलग कुछ किया? सर जीएस की तैयारी लगभग एक समान ही रही थी. एथिक्स का पेपर तो काफी डिफरेंट ही होता है. जीएस वन से जीएस थ्री तक कहीं ना कहीं एक सिमिलैरिटी है लेकिन इसमें यह एक चेंज होता है सर. जैसे जीएस वन इसमें स्टैटिक पोर्शन थोड़ा ज्यादा होता है और जीएस टू और जीएस थ्री में डायनेमिक पोर्शन ज्यादा होता है. तो इस मैंने फोकस को चेंज किया लेकिन मेरा स्ट्रेटजी सेम था कि मैं हर टॉपिक पे जो भी क्वेश्चन है उसका खुद से आंसर राइटिंग करूँ और उसके बाद उसके नोट्स बना के उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करूँ. वेरी गुड. आपने अपनी जो रिविजन की टेक्निक है उसको आपने शुरू से डेवलप किया हुआ था और बड़ा क्रुशियल है एग्जामिनेशन में. वेरी गुड. मैं आपसे स्पेशली थोड़ा पेपर फोर एथिक्स इंटीग्रिटी एप्टीट्यूड इस पेपर के बारे में जानना चाहता हूँ कि आप जो हैं अभी क्वाइट यंग हैं, आपने पहले फर्स्ट अटेम्प्ट ही दिया राइट और एक अच्छे रैंक के साथ क्वालिफाई भी कर चुके हैं. तो पेपर फोर का बेसिकली एग्जामिनर क्या चाहता है, इसमें स्कोप ऑफ सब्जेक्ट क्या स्टडीज का? सर जीएस फोर में समझता हूँ यह काफी डिफरेंट है बाकी जीएस के पेपर से और यह कहीं ना कहीं एक पर्सनैलिटी का भी टेस्ट है. ये नॉलेज का टेस्ट नहीं है. तो जैसे कि हम उसमें जो केस स्टडीज पे जो भी क्वेश्चन आते हैं तो इसको हम पहले से कभी भी समझ के कि मैं ऐसे लिखूंगा ये नहीं हम कर सकते. नया केस स्टडी होता है, नया इशू रहता है और उसमें आपको उसी समय डिसीजन लेकर के आपको अप्रोच को वहां पे दिखाना होता है. तो इसमें कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आपकी और आप सिचुएशंस को कैसे हैंडल करेंगे तो ये कहीं ना कहीं दिखाना पड़ता है. तो इसकी तैयारी के लिए मैं कहूँगा केस स्टडीज के लिए एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को हम पहले से डेवलप करके रख के एक अप्रोच बना सकते हैं लेकिन फाइनल कॉल हमको वहीं पर लेना होता है उसी वक्त कि हम इस सिचुएशन में कैसे डिसीजंस को लेंगे. और लेकिन संदीप ये तो ये एक दिन का काम है नहीं, डेवलप अपने किया होगा
क्योंकि केस स्टडीज को खास करके कि कैसे डेवलप किया, तो आप क्या लगातार इसके ऊपर कुछ कर रहे थे इस कॉन्सेप्ट को डेवलप करने के लिए? सर, इसके लिए मैंने यही किया कि मैं जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस वो मैं डेली 2 से 2.5 घंटे करता था, उसमें भी मैंने GS4 के बहुत सारे केस स्टडीज को भी सॉल्व किया था। तो खास करके केस स्टडीज के लिए मेरी तैयारी यही रही। ओके, कोई आपने कोई स्टैंडर्ड बुक्स भी पढ़ी थी इसके लिए, पेपर 4 के लिए? यस सर, अराउंड 50% सिलेबस जो है वो एक स्टैटिक है, उसमें बहुत सारे थ्योरीज भी पढ़ने होते हैं, तो उसके लिए मैंने लेक्सिकॉन की बुक को यूज किया था। तो इसमें यह इंश्योर करना होता है कि सिलेबस में जो भी वर्ड्स लिखे हुए हैं उसके मतलब को हम समझ पाए, उसके डिफिनेशंस को याद ना करके जाए बल्कि उसके मतलब को समझ पाए, और उसमें हम डे टू डे लाइफ और जो भी सिविल सर्वेंट का लाइफ है उससे रिलेट कर पाए, और उसमें अगर हम एग्जांपल्स को दे पाए तो इससे काफी आंसर्स भी एक प्रैक्टिकल लाइफ जो रिक्वायरमेंट है। यस, जो डे टू डे चीज में हैपनिंग्स में आप देखते भी हैं उसमें से कुछ रेफरेंस लाए तो कंपनी को। यस, Hello everyone, my name is Himanshu Jain and I have secured rank 4th in UPSC Civil Service Examinations 2019. I have given my mock interviews in Chanakya IAS Academy and the panelists there were from diverse background. It was really helpful and helped me during my interview preparation. I also talked to the members personally, individually after the interview about my weak points. So it was a really wonderful experience and has helped me achieve this great rank. Thank you. इससे के बारे में कुछ स्पेशली कुछ कहना चाहेंगे आप? क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स के साथ होता है कि पढ़ाई सब करें लेकिन इससे को सोचते हैं एग्जामिनेशन हॉल में जाके लिख देंगे। आपने ऐसा तो कुछ नहीं किया था, तैयारी कुछ करी थी आपने पहले? यस, जैसा कि एसए का पेपर मैं मानता हूँ सर यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मार्क्स अराउंड 105-10 से लेकर के 150-155 तक वैरी करता है, तो 50 मार्क्स का वेरिएशन बहुत ही ज्यादा है। इतना डिफ्रेंसिएशन हम शायद जीएस के तीनों पेपर मिला के भी करना काफी मुश्किल होता है। तो यह मैं जरूर कहूंगा कि एसए पेपर को हल्के में ना लें और एसए राइटिंग की प्रैक्टिस, इसकी फॉर्मेट की प्रैक्टिस जरूर करें। और मैंने यह किया था सर कि मैंने 15-20 ऐसे लिखे थे और उसको मैंने जो भी पहले एग्जाम दे चुके थे या जिन्होंने क्लियर किया था उससे उनसे मैंने रिव्यू कराने की कोशिश की, तो उनका जो फीडबैक मिला उसमें कुछ लैंग्वेज को लेकर के फीडबैक था, उसमें कुछ अप्रोच को लेकर के जैसे इंट्रोड्यूस कैसे करना है और बात को कैसे सब टॉपिक्स के अंदर रिप्रेजेंट करना है और फिर कंक्लूड कैसे करना है, तो इस सब फॉर्मेट में मैंने चेंज लाने की कोशिश की है। इंट्रोडक्शन, मिडिल, एंड, ये सारे अलग अलग स्टेजेस पे, दैट इज वेरी गुड। कि इसमें इंट्रोडक्शन के बारे में स्पेशली कुछ कहना चाहेंगे कि किस तरह का इंट्रोडक्शन होना चाहिए इस एसे का? सर, एसे राइटिंग स्किल मैं कहूँगा पर्सन टू पर्सन वैरी करता है, हर पर्सन का स्ट्रेंथ अलग अलग जगह पर लाएगा। तो जैसे मैंने देखा कि मैं हिस्टोरिकल इंट्रोडक्शन काफी अच्छा लिख पाता हूँ, कुछ लोग स्टोरीज से शुरू करते हैं, कुछ लोग कोई एग्जांपल दे करके शुरू करते हैं, कुछ लोग कोई फैक्ट को इस तरह से एक्सप्लेन कर देते हैं, तो वो काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो इंट्रोडक्शन में सबसे इम्पोर्टेंट यह है सर कि हम टॉपिक को ऐसे रिप्रेजेंट करें कि जो रीडर होंगे, एग्जामिनर होंगे, उनको इस आपके ऐसे में इंटरेस्ट आ जाए, और यह काफी इंपॉर्टेंट होता है सर। तो इसमें बहुत सारे अप्रोच हैं और अपने पर्सनैलिटी हिसाब से, और आप किस तरह के इंट्रोडक्शन को अच्छा लिख सकते हैं तो आप उस हिसाब से चूज कर सकते हैं। ऑफ कोर्स इन द मिडिल आपको तो सारी चीज जो इंट्रोड्यूस की एक्स को स्टेज बाय स्टेज कड़ी से कड़ी जोड़ के समझाना है, बट कंक्लूजन भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है ऐसे में, राइट? यस, कंक्लूजन में किन चीजों को ध्यान रखना चाहिए? सर, हम जब पूरा ऐसे का बॉडी पार्ट लिखते हैं तो उसमें एक लॉजिकल फ्लो होना चाहिए, तो ये एक फ्लो में यह भी इंपॉर्टेंट है कि उसको हम एक हाई नोट पर एंड करें, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है उसमें एक ऑप्टिमिज्म होना चाहिए, आप ये सॉल्यूशन ओरिएंटेड होना चाहिए, और एक कहीं ना कहीं उसमें यह दिखना चाहिए कि आपने जो भी चीजों को रिप्रेजेंट किया वो एक लॉजिकली एक कंक्लूजन पे पहुंचा है। तो एक ऐसे एक तरह से आपका कंक्लूजन पढ़ने से एक समरी टाइप का भी फीलिंग आना चाहिए कि आपने जो भी चीजें बताई है ऐसे मैन बॉडी में या फिर इंट्रोडक्शन में वो एक तरह से क्लोज हो रहा है। करेक्ट, बट अल्टीमेटली जो कुछ भी एक्सप्लेन कर रहे हैं उसका कंक्लूजन क्या है और ये पॉजिटिव नोट पे हो तो दैट विल बी वंडरफुल।
संदीप, सिविल सर्विसेज पर्सनालिटी टेस्ट में आप पहली बार ही गए, फाइनली सेलेक्ट भी हो गए हैं, राइट? पर्सनालिटी टेस्ट में आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था? क्या आपको पहले डर था बहुत ज्यादा जाने से पहले, राइट? या क्या किस तरह की साइकोलॉजी में थे जब रिजल्ट आया उसके बाद जब तैयारी कर रहे थे? सर, जब मुझे यह पता चला कि मेरा सिलेक्शन मेंस में हो गया तो मैं काफी कॉन्फिडेंट था। या मे बी मैंने जो जॉब किया था या फिर मेरी पहले की जो पर्सनैलिटी रही थी, तो मेरी पर्सनैलिटी के ऊपर कहीं ना कहीं मुझे कॉन्फिडेंस था। और मैं यह भी जानता था कि जैसे यूपीएससी खुद कहती है कि पर्सनैलिटी टेस्ट है जो पर्सनैलिटी का टेस्ट है, इसे नॉलेज का टेस्ट नहीं है, राइट? तो इसमें मैंने अप्रोच को चेंज किया। मैंने नॉलेज को गेन करना उस पर थोड़ा उसको थोड़ा कम किया और उस पर ध्यान किया कि मैं जो चीजें हैं उसको कैसे बता रहा हूँ, कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो इसके लिए मैंने कोशिश की कि मैं ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट होते हैं, जो भी सीनियर सिविल सर्वेंट हैं जो ऑलरेडी सर्विस में 30-35 साल काम कर चुके हैं, उनसे बात करूं, उनके साथ में इंटरेक्शन करूं। तो उससे मुझे यह भी समझ में आया कि एक सिविल सर्वेंट कैसे अपने व्यूज को प्रेजेंट करते हैं, उनकी थिंकिंग कैसे होती है, और ये सारे चीजें मुझे समझ में आई सर। और जैसा आपने पूछा कि डर, मुझे सर पता नहीं, बहुत लोगों को डर लगता है सर, लेकिन मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा था। मैं काफी कॉन्फिडेंटली गया था इंटरव्यू देने के लिए और काफी कॉर्डियली इंटरव्यू हुआ सर। तो एक जो सबसे पहले अपनी स्ट्रेटजी अडॉप्ट की कि आपने इंग्लिश की जगह पे हिंदी रख लिया, क्योंकि जानते हुए कि क्योंकि आपकी और जो मैं अनुभव कर रहा हूँ कि आपका एक्सप्रेशन जो है वो हिंदी में आप काफी फ्लो अच्छी है आपकी, बहुत बढ़िया हर बात को आप रख पा रहे हैं। तो ये ऑडियंस को भी जानना चाहिए कि फ्यूचर में आप जाते हैं तो आप जिस भाषा में सहजता है, आपकी एक्सप्रेशन अच्छा है, तो वही मीडियम आपको लेनी भी चाहिए, राइट? आपका बोर्ड किसका था संदीप? सर, मेरे बोर्ड के चेयरमैन सुजाता मेहता मैम थी। अच्छा, इंडियन फॉरेन सर्विस से है उसके ध्यान जी। तो ओवरऑल आपके सर्विस के अंदर में जो फोकस ऑफ क्वेश्चन है वो सबसे ज्यादा कहाँ था? सर, पूरा इंटरव्यू मैं कहूँगा कहीं ना कहीं डैप पे बेस्ड था, और मेरी खुद की पर्सनैलिटी, मेरी खुद की जो भी अभी तक की जर्नी रही उस पर बेस्ड थी, और उसमें कहीं ना कहीं वो ऑनेस्टी ऑफ पर्पस चेक कर रहे थे। मैं क्यों सिविल सर्विस का एग्जामिनेशन लिख रहा हूँ, मैंने क्यों क्यों जॉब छोड़ा था, ये एक पर्सनैलिटी बेस्ड तो था ही सर। और उसके बाद कुछ जैसे कि मेरा ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस था, तो चाइना को लेकर के रिलेशंस, बिल्ट एंड रोड, इस सब चीजों पर डिस्कशन हुई। और उसके बाद हॉबीज के ऊपर भी उन्होंने डिस्कस किया, और उसके बाद भागलपुर और बिहार को लेकर के काफी देर तक वहां पे चर्चा। आपकी हॉबीज क्या है संदीप? सर, मैंने डैप में जो हॉबीज बढ़ा था वो था मेडिटेशन एंड पोएट्री राइटिंग। तो क्या आप जेन्युइनली करते भी हैं या आपने कहा डैप में लिखा था? जी, ये मैं बिल्कुल करता हूँ, और मैं मेडिटेशन करता हूँ। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टू नो कि एन ऑडियंस शुड नो कि आपको सिर्फ जो मैंने इसलिए क्रिटिकली पूछा कि आप करते भी थे या आपने लिखा, तो कोई ऐसा काम जो डैप में लिखना नहीं चाहिए जो आप करते ही नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप झूठ बोलेंगे तो आप उसमें फंस जाएंगे। जी, मैंने इसलिए कहा क्योंकि और भी बहुत सारे हॉबीज थे, लेकिन जो हॉबीज आपका आप उसको अच्छी तरह से नहीं करते, इन डेप्थ नहीं करते हैं और रेगुलरली नहीं करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन उठेगा आपको इंटरव्यू में। तो इसको अवॉइड करने के लिए मैंने वही हॉबीज मेंशन किए जिसपे मैं काफी थॉरो था और उसको मैं सीरियसली परस्यू कर रहा था। एक आपने कहा भागलपुर और बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, है ना, ये किस तरह के क्वेश्चन थे आपके उसमें? सर, भागलपुर को एक टूरिज्म के रूप में कैसे आप उसको रिप्रेजेंट करेंगे, उसमें वहाँ पर कौन कौन से स्थान है, और उसके बाद एक विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, उसकी भी बात आई, और उसके बाद बिहार के ऊपर भी क्वेश्चंस, और बिहार और मेरा सिरामिक इंजीनियरिंग का जो बैकग्राउंड था उसको मिला करके क्वेश्चन जनरेट किए गए कि कैसे अच्छा। मैं बिहार में सिरामिक को सिरामिक का इंडस्ट्रीज है उसको कैसे लगा सकते हैं, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज को लगा सकते हैं। और भागलपुर सर जैसा जानते हैं सिल्क सिटी के नाम से फेमस है, राइट राइट। तो वो उन्होंने ये भी पूछा कि अभी सिल्क का इंडस्ट्री वहाँ क्यों डिग्रेडेड स्टेट में है, उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, तो इन सब चीजों पे डिस्कस हुआ। वो आपके एक अवेयरनेस और उसके हिसाब से आपके विजन क्या है कि ऐसा नहीं जस्ट भागलपुर में रहे बट यू हैव बीन ए कॉन्शियस पर्सन देयर, तो ये एक अपने डेफ से इम्पोर्टेंट चीजें हो जाती है कि जहाँ रहने वाले हैं, बैकग्राउंड क्या, आपके विजन क्या है, वो सब चीजें आपको टेस्ट करें। कोई क्रिटिकल सिचुएशन ऐसा जहाँ आपको लगा कि मैं थोड़ा फंस गया हूँ
और आप निकले हो, ऐसा कुछ सिचुएशन भी आया इंटरव्यू में? सर मेरा इंटरव्यू जैसे मैंने बताया काफी कॉर्डियल था, और मुझे नहीं लगा कि कोई क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट पूछा गया था। सारे क्वेश्चन मेरे डैप बेस्ड थे और एक्सपेक्टेड लाइन से थे, कोई क्वेश्चन थे मैं कहीं ना कहीं मुझे एक समझ थी कि इस लाइन में क्वेश्चनिंग हो सकती है। डिफिकल्ट सर एक मेंबर ने सर मुझसे एक टर्म के बारे में पूछा, तो मुझे लगा कि मैं समझ नहीं पाया वो टर्म को, तो मैंने उनसे फिर से पूछा कि आप कौन सा क्या पूछ रहे हैं, तो उन्होंने फिर से वो टर्म का नाम लिया। तो एक्चुअली मैंने वो टर्म कभी सुना नहीं था लाइफ में। अच्छा, वो टर्म को याद है क्या पूछा था? सर मुझे समझ नहीं आया था कि क्या बोले वो, आपको रजिस्टर नहीं हुआ? नहीं, उसमें कैसे रिएक्ट किया आपने, क्या बोला फिर उसमें आपने? सर जैसे ही मैंने सॉरी कहा कि सर मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो वो इमीडिएटली नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर गया। ओके, वेरी नाइस। मतलब इट इज बेटर टू से कॉन्फिडेंटली, नहीं जानते हैं तो नहीं जानते हैं, तो उसमें तो अलग कोई कुछ नहीं हो सकता है। जी बिल्कुल। संदीप, आपने एक ऑप्शनल सब्जेक्ट का सिलेक्शन भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि क्या लें, है ना? तो आपने पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन दिए, जबकि आपका बैकग्राउंड नहीं उस सब्जेक्ट का, तो क्या वजह रहा है सब्जेक्ट का लेने का? सर पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, जब मैं जॉब कर रहा था तो तब मैं न्यूज़पेपर डेली पढ़ता था, उसमें मुझे सबसे इंटरेस्टिंग सेक्शन जो इंटरनेशनल वाला जो पेज रहता था वहाँ पे लगता, उसमें एक काफी इंटरेस्ट डेवलप हो गया था। फिर मैं इंडिया का रिलेशन बहुत सारे कंट्रीज को मैं अलग अलग वेबसाइट से पढ़ने लगा, तो कहीं ना कहीं एक इंटरेस्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर था। शुड आई टेक लाइक कि इंटरेस्ट जो है मेन फैक्टर होना चाहिए सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट में? यस, इंटरेस्ट एक फैक्टर हो सकता है, और उसके बाद मैंने यह भी देखा कि क्या यह ऑप्शनल स्कोरिंग है, इसमें इस ऑप्शनल को लेकर के बहुत सारे स्टूडेंट सेलेक्ट हो रहे हैं या फिर अच्छे मार्क्स ला पा रहे हैं, तो मैंने यह भी देखा कि इसमें बहुत सारे कैंडिडेट इसको लेकर के क्लियर कर पाते हैं, तो एक सॉबर भी व्यू भी था उसमें कि कहीं ना कहीं मार्क्स को लेकर के अवेयरनेस था कि किस तरह से स्कोरिंग किया जा सकता है। right. और मार्क्स, ये दोनों का सम्मिलित इसको देख करके मैंने ये डिसीजन लिया था। वेरी नाइस। मतलब आपने पहले तक इंटरेस्ट को ध्यान रखा, फिर देखा कि इसमें से कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें मैं स्कोर कर सकता हूँ, वो एक इम्पोर्टेंट है। मतलब एक आपकी पूरी उसके साथ एक ट्यूनिंग जो सब्जेक्ट के साथ बनने का चाहिए वो आपके बन गए उसमें। ये सारे बातों के साथ साथ जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि हाउ टू रिमेन मोटिवेटेड ऑल थ्रू द जर्नी, ये लगभग एक साल का तो रिग्रेस जर्नी मिनिमम जो है, कई लोग प्लानिंग करते कई साल में चला जाता है, तो इसके बारे में आप क्या कह रहे हैं? हाउ यू रिमेन मोटिवेटेड एंड व्हाट यू विल सजेस्ट अदर्स टू रिमेन मोटिवेटेड? यस, मेरा मानना है सर सिविल सर्विस का एग्जामिनेशन कहीं ना कहीं नॉलेज का टेस्ट नहीं है, ये आपका डिटर्मिनेशन का टेस्ट। ये आप कैसे एडवर्स सिचुएशन, मुश्किल सिचुएशन आते हैं उसमें आप कैसे डटे हुए रह पाते हैं और वहाँ पर कैसे परफॉर्म कर पाते हैं। तो जैसे आपने बताया इसका प्रोसेस काफी लॉन्ग होता है, तो 1.5-2 साल तो एक पहला रिजल्ट जानने में लग जाता है सर। राइट, फिर बहुत सारे फेज आते हैं जहाँ पे डिमोटिवेशन आता है, जैसे कि जो जिन्होंने कभी जॉब नहीं किया या कोई जॉब छोड़ करके तैयारी करें, तो कहीं ना कहीं यह भी भाव आता है कि क्या मेरा यह डिसीजन सही था, और कंपटीशन इतना टफ है, क्या मैं एक बार में सेलेक्ट हो पाऊंगा, और जो 2-3 बार अटेम्प्ट देते हैं तो प्रेशर और काफी बढ़ता जाता है। यह काफी इंपॉर्टेंट है कि इस फेज में हम अपने आप को मोटिवेटेड रख सकें, और इसके लिए मैंने सर एक योगा और आर्ट ऑफ लिविंग का सुदर्शन क्रिया, ये मैं रेगुलरली डेली करता था। वेरी गुड। इससे क्या हुआ कि मैं फिजिकली और मेंटली कहीं ना कहीं एक हेल्थ को उसको मेंटेन कर पाया जर्नी में, और उसके बाद सर अगर हम लगातार तैयारी करते हैं और एक कंसिस्टेंसी के साथ तैयारी करते हैं, तो जो डिमोटिवेटेड फेज आता है बीच में, जो कि सर्टेन है कि वो आएगा ही, तो अगर हम तैयारी में लगातार लगे रहेंगे तभी हम इससे उबर पाएंगे। अगर डिमोटिवेटेड होकर के अपनी पढ़ाई को और खराब कर लें और कम पढ़ाई करने लगे, तो कहीं ना कहीं उसमें एक उसके बाद उसको क्विट करने का भी भाव आने लगे। तो यह इंपॉर्टेंट है कि जब लो फेज चल रहा है आपका प्रिपरेशन के दौरान, उसमें भी आप अपनी पढ़ाई के लेवल को कम ना आने दें और उसको मेंटेन करें। मेन ये है कि आपको एक्सक्यूज लेने की आदत ना पड़ जाए कि भाई अब तो भारी लग रहा है, अभी हमसे पढ़ा नहीं जा रहा है, तो ये जैसे मन में आ गया कि डिफिकल्ट है ये है, तो इसका मतलब है कि आपको सिंपैथी गेन करने की ओर जा रहे हैं। आप जो कह रहे हैं उसमें कह रहे हैं कि जब ये डिफिकल्ट लग रहा है, परेशानी हो रही, तो उसको डाउन नहीं करें, बल्कि अपने आपको रिचार्ज करके दोबारा फिर से लग जाइए, क्योंकि हर किसी के काम में, हर किसी के लाइफ में ये फेज आता है कि आप हमेशा एक जैसे आपके
मानसिक स्थिति नहीं रहेगी, हर बार आप मोटिवेटेड नहीं रहेंगे. बट इम्पोर्टेंट है कि आप अपने आप को डिमोटिवेटेड कितने देर छोड़ देते हैं, इससे आपको नुकसान होगा, है ना. दैट इज वेरी यस यस, बिल्कुल हमारे हाथ में, हम कितने दिन डिमोटिवेटेड हैं. डिमोटिवेट रखते हैं तो वो आपको नुकसान, वो तो टाइम का वेस्टेज हो ही रहा है आपका. तो बेटर है कि आपका मन नहीं लग रहा है तो पिक्चर देख के आइए, घूम के आ जाइए, लेकिन जैसे जितना जल्दी रिवाइव कर लीजिए उतना बेटर है. अदरवाइज आप यदि उसको नर्चर करने लगेंगे कि बड़ा एंग्जाइटी हो रहा है, बड़ा डिप्रेशन हो रहा है, बहुत ज्यादा मुश्किल काम है, तो इसका मतलब है कि आप कहीं ना कहीं अपने आप से सिंपैथी गेन कर रहे हैं और दूसरों से सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रहे हैं. द लाइफ इज मेंट फॉर द पीपल हु आर रेडी टू फाइट. दैट्स द कनेक्शन. यस, संघर्ष ही तो एक डिफिकल्ट जर्नी है, बिल्कुल ही डिफिकल्ट जर्नी है और यह आसान बिल्कुल भी नहीं है. तो इसमें जरूरी है कि हम अपने लेवल को, हम जिस भी लेवल पे उसको इम्प्रूव करने की जरूरत होती है और एक चैलेंज को एक्सेप्ट करने की जरूरत होती है कि हाँ यह मुश्किल है और मुझे यह करना है. तो यह जरूरी है. सत्यपी, क्या चूंकि आप बिहार से बैकग्राउंड से हैं, नॉर्मली यूपी और बिहार के स्टूडेंट या रूरल बैकग्राउंड से किसी भी स्टेट से जब मेरी बातें होती है सेमिनार में, वेबिनार में, पोस्ट पूछते, तो मैंने एक बड़ा फैक्टर देखा है कि लोगों को लगता है सर हम तो बहुत ही पिछड़े क्षेत्र के हैं, हम गरीब क्षेत्र के हैं, हमारे बैकग्राउंड नहीं है, इसको बड़ा डोमिनेट करके अपने आप को पीछे हटा लेते हैं. हालांकि मैं इनको कहता हूँ कि देखना है जितने भी बड़े जो स्टोरीज हैं सक्सेस स्टोरी ऑल अराउंड द वर्ल्ड, 80% of them were in unprivileged condition. उसको देखो. Only 20% could have been in privileged and born and privileged was there. तो संघर्ष की बात है, तो वहां से आप देखो. लेकिन ये एक बड़ा फैक्टर डोमिनेट करता है. आप चूंकि उसी परिवेश से निकले हैं, ऐसे स्टूडेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे कि भाई आप जो उसको हावी होने दे रहे हैं कि भाई हमारा बैकग्राउंड ये है, हम गरीब परिवार से आए हैं, हम पिछले बैकग्राउंड से आए हैं, तो ये जो उनको डोमिनेट करता है, उसका मोटिवेशन लो रहता है, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे उनको? सर उनके लिए कहूँगा कि हमें यह नहीं सोचना है कि हम कहाँ किस बैकग्राउंड से हैं, क्योंकि हमारे हाथ में नहीं है. हम कहाँ पर पैदा होते हैं, किस बैकग्राउंड में पैदा होते हैं और कहाँ पर पले बड़े हैं, तो एक कहीं ना कहीं उसमें वो फैक्टर्स हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है. राइट. लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आगे के फ्यूचर भी यही डिसाइड कर दे. यह बिल्कुल हमारे हाथ में है कि हम कहाँ पर जाना चाहते हैं. राइट. तो हमें यह डिसाइड करना चाहिए कि हम कहाँ जाना चाह रहे हैं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कौन सी स्ट्रेटजी लगानी होगी. तो एक इस भाव से अगर हम चलेंगे कि मुझे पहुंचना है कहीं पर भी, तो उस पे और अगर हम लगातार मेहनत करेंगे तो हम जरूर सक्सेस अचीव कर सकते हैं, और भले हमारा कोई भी बैकग्राउंड. देखिए बैकग्राउंड में कई बार कुदरत जो है ये चुनौतियों से आगे को बढ़ने का एक मौका देता है ना. हम उसको कैसे लेते हैं वो इम्पॉर्टेंट है. हमारे यदि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कहानी यदि देखें, तो वो उसी तरह के परिवेश से निकल करके पहले राष्ट्रपति बने, इतना बड़े फ्रीडम फाइटर. लाल बहादुर शास्त्री, अनदर ग्रेट एग्जाम्पल. राइट. वी कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ अवर फॉर्मर प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम जी. हम यदि अब्दुल कलाम जी का एग्जाम्पल लें तो हम देखते हैं कि कितने अनप्रिविलेज कंडीशन जाकर के और किस हाइट तक पहुंचे, क्योंकि उन्होंने अपने जो भी अनप्रिविलेज सिचुएशन था कि एक फिशरमैन के बेटे हैं या इस तरह के अनप्रिविलेज कंडीशन में, तो उनके बाधक नहीं बना, क्योंकि उनके अंदर में एक अलग ही अपनी जुनून थी, जोश था. उसी तरह से आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देखें, गर्व से कहते हैं मैं चाय बनाने वाले का बेटा था, रेलवे के डब्बों में चाय बेचता. और यदि फिल्म इंडस्ट्री में देखें, चाहे वो शाहरुख खान हो, राइट है, चाहे अमिताभ बच्चन ही क्यों ना हो, अपने जीवन के संघर्ष उन्होंने खुद किए. बेशक उनके पिताजी जो राष्ट्रकवि थे, लेकिन उन्होंने कभी उनका सहारा नहीं लिया, अपने आप अपने को ग्रो किया. राइट. दूसरी चीज जो है कि आप धीरू भाई अंबानी को देख लीजिए, सचिन तेंदुलकर को देख लें, राइट, धोनी को देखें, या बिल गेट्स को उठा लें, या स्टीव जॉब्स, ये कुछ एग्जाम्पल हैं. कहने का मतलब है कि ये अपने दिमाग में, गरीबी और परेशानी अपने दिमाग में होती है, एक्चुअल नहीं होती. दैट इज ऑल. यदि आपने मान लिया तो वो फिर आपके लिए बाधक बन जाएगा. राइट. वेरी नाइस. आपके मन में भी कभी ऐसी तरह की बात आई थी कि भाई मैं एक तो छोटी सी जगह से निकला हूँ, अनप्रिविलेज कंडीशन हो, स्टार्टिंग के दिनों, बारहवीं तो खैर अपने अच्छे इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई, पहले क्या आपके मन में भी ऐसा होता था कि जब वो गाँव के लेवल पे थे? गाँव के लेवल पे था तो उसमें ज्यादा बाहरी स्टूडेंट से इंटरेक्शन नहीं था, तो मुझे लगा था मैं जहाँ भी हूँ अच्छा कर रहा हूँ. राइट. जब मैं एनआईटी राउरकेला गया और वहाँ पे जो जो भी अच्छे स्कूल से पढ़ के आए थे, तो मुझे कहीं ना कहीं लगा था
कि मतलब मेरी स्कूलिंग उतनी अच्छी शायद नहीं हुई है, लेकिन मैंने इसको इस भाव में लिया कि मुझे लगा कि इसके लिए मुझे पीछे में जो कमी रह गया उसके लिए मुझे और मेहनत करनी है। तो मैंने जब मैं नेटिव रॉकला में था तो मैंने अपने इंग्लिश पे और दूसरे लिंग्विस्टिक स्किल पे, इंटरपर्सनल स्किल पे ज्यादा मेहनत की ताकि मैं उन लोगों की भी बराबरी में आ सकूं। मतलब आप उस कमी के ऊपर में सहानुभूति गेन करने में नहीं लग गए, आपने रियलाइज किया कि हमारे अंदर ये कमी है और गांव के लेवल पे कमी रही है, तो ये ना करना शुरू कर दिया कि नहीं क्या करें हमारी तो ये कमी है वो कमी। तो ये जो हमें आपको सुन रहे हैं जो स्टूडेंट जिनके अंदर में अपने प्रति जो एक हीन भावना आ जाती है, इस पर कभी जो है इस तरह का ध्यान ना करें, उनको हमेशा खुद पे रिस्पेक्ट होना चाहिए, एक प्यार होना चाहिए। हर किसी को कुदरत ने एक अद्भुत शक्ति दी है, राइट। एग्जाम्पल लेना है तो ऐसे लोगों को लें जो अनप्रिविलेज कंसिस्टेंट से यहाँ तक पढ़े, राइट। यस संदीप, मुझे जो आपकी क्लियरिटी दिखती है, मुझे पूरी उम्मीद है कि जब अगली बार आप मेरे सामने आएंगे सेलेक्ट होके, तो आई एम श्योर कि यू विल बी वन ऑफ द टॉप रैंकर्स, टॉप 10 टाइप के कैंडिडेट आप हैं, ऐसी मुझे उम्मीद है। आप उसी हिसाब से अगली अपनी तैयारी भी कीजिएगा, मुझे पूरी मेरा जो अनुभव कहता है कि यू हैव दैट कैलिबर टू वर्क ऑन दैट, राइट। वो क्लियरिटी आपके पास है, राइट। तो आपको इस प्रोग्राम में आए और इसके बाद आप आपके दिमाग में जो विजन है, थोड़ा सा जाते जाते अपने प्रोग्राम के बारे में जो क्या मैसेज आप फ्यूचर स्टूडेंट्स को देना चाहेंगे, स्पेशली जो आपके जैसे रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, उनके लिए मैं कहूँगा कि अगर वह डिसाइड करते हैं कि सिविल सेवा की परीक्षा देनी है, और मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करता है जहाँ पे आप एक सोसाइटी में एक ऐसे पोजीशन पे रहते हैं जहाँ पर आप एक वाइडर सेक्शन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उसको पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो अगर वो यहाँ पर आना चाहते हैं तो बिल्कुल आ सकते हैं। आप कभी भी यह भावना ना रखें कि यहाँ आना काफ़ी मुश्किल है, सिर्फ एक ही यहाँ पर फायदा नहीं किया है कि आप कड़ी मेहनत करें, अपने ऊपर भरोसा रखें और एक डिटर्मिनेशन के साथ एक डेढ़ साल की तैयारी करेंगे तो आप जरूर यहाँ पे सिलेक्ट हो सकते हैं। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस प्रोग्राम को देखकर आप बहुत सारे कैंडिडेट्स आपसे कनेक्ट कर पाएंगे और अपनी स्ट्रेटजी बना पाएंगे और आगे के समय में अपने सफर को भी इसी हिसाब से आपके जैसा तय कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग इन दिस प्रोग्राम। सक्सेस स्पीक्स, गॉड ब्लेस यू, राइट। थैंक यू सर। Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.